चैप्टर 9 के आखिरी हिस्से में हम पढ़ेंगे डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट। तीन मुख्तलिफ सिचुएशंस में डायफ्रेक्शन हम देखेंगे, एक नैरो स्लिट से डायफ्रेक्शन, ग्रेटिंग से और क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के अंदर होने वाली डायफ्रेक्शन। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम पहले देख चुके हैं, मगर अब हम चूंकि डायफ्रेक्शन देखने लगे हैं सिंगल स्लिट के अंदर और मल्टीपल स्लिट्स के अंदर, तो हम डबल स्लिट वाले एक्सपेरिमेंट को एक दफा से जल्दी से रिवाइज करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी। डबल स्लिट के केस में क्या होता है कि हमारे दो स्लिट्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस था वो डी था, और हमने इसके सामने स्क्रीन के ऊपर एक ब्राइट फ्रिंज के लिए एक इक्वेशन बनाई थी। हमने कहा था कि अगर दोनों इन स्लिट से आने वाले वेव सोर्सेज यहाँ पर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं, तो इनके पाथ डिफरेंस के अंदर जो जो पाथ डिफरेंस है वो वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। यानी जब एक पूरी वेवलेंथ का डिफरेंस आता है या इसके मल्टीपल्स, तो हमारा फेज चेंज नहीं होता और हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आती है। ये पाथ डिफरेंस, ये एंगल थीटा था और ये पाथ डिफरेंस हमारे पास डी साइन थीटा के बराबर था, तो हमने इक्वेशन बनाई थी डी साइन थीटा इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए लेमडा का, एम जो है वो 1, 2, 3 ये सब नंबर हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सिंगल स्लिट के केस में क्या होता है। एक सिंगल स्लिट हो अगर हमारे पास और हम उसको एक लाइट सोर्स के आगे रखें, तो हमारे पास लाइट सोर्स वेव फ्रंट एमिट करेगा और हाइजेंस प्रिंसिपल के मुताबिक वेव फ्रंट के ऊपर हर हर पॉइंट जो है वो एक वेव सोर्स होता है, सेकेंडरी वेव सोर्स होता है, वेवलेट एमिट करता है। तो वेव फ्रंट जब हमारा इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पर स्लिट के अंदर जो एरिया, इसके अंदर हम बहुत सारे वेव सोर्सेज कंसिडर कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं। ये सब सेकेंडरी सोर्सेज वेवलेट्स एमिट करते हैं और इन सब वेवलेट्स की आपस में इंटरफेरेंस होती है, जिसकी वजह से अगर हम इस स्लिट के सामने एक स्क्रीन रखें तो हमें डायफ्रेक्शन पैटर्न नजर आता है। यानी एक सिंगल स्लिट के अंदर भी डायफ्रेक्शन पैटर्न नजर आता है। ये डायफ्रेक्शन पैटर्न ऐसा होता है कि सेंटर में से ब्राइट होता है और बड़ा सा होता है, और किनारों पे जो ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं वो बहुत हल्की होती हैं और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो रेज इस स्लिट के एग्जैक्ट सेंटर में से गुजर रही होती है और सेंटर के इर्द गिर्द जो एक छोटा सा एरिया होगा जिसमें दो रेज के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, ऐसे कि उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, तो उसकी वजह से हमारे पास ये ब्राइट एरिया आ जाता है। और फिर जब हम किनारों पे जाते हैं तो हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कम होती जाती है और डार्क एरियाज हमारे पास ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होते हैं, ज़्यादा हमें नज़र आ रहे होते हैं। इसलिए हम सिंगल स्लिट के केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इक्वेशन बनाते हैं। हम ये इसके लिए ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम कहते हैं यहाँ पर, अब मैं बड़ी करके बनाऊंगी ये स्लिट, हम कहते हैं कि मैं इस स्लिट के अंदर कुछ पॉइंट्स एज्यूम करती हूँ। ये आप जितने चाहें कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं। हम स्ट्रैटेजी ये है कि हम शुरू वाले वेव फ्रंट के पॉइंट और इसके एग्जैक्ट सेंटर वाले पॉइंट के बीच में देखेंगे कि अगर इन दो पॉइंट्स में से जो रेज निकल रही हैं वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें सामने पड़ी हुई स्क्रीन के ऊपर, तो उनकी इक्वेशन क्या बनेगी। इस स्लिट की स्पेसिंग है डी, और जो हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं उनके बीच में कितनी स्पेसिंग बनेगी, डी बाय 2, हाफ एग्जैक्टली सेंटर में हम उसके ले रहे हैं और एक बिल्कुल शुरू में ले रहे हैं। अब अगर हम इसकी वही जो हमने पहले किया था कि हम दोनों का पाथ डिफरेंस लेते हैं, कितना पाथ डिफरेंस में फर्क है, वो डी बाई 2 साइन थीटा होगा, ये वाला एंगल हमारा थीटा है। ये जो पाथ डिफरेंस है डी बाई 2 साइन थीटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इसको लेमडा बाई 2 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी हाफ वेवलेंथ का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि अगर हाफ वेवलेंथ का डिफरेंस होता है तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अगर एक पूरी वेवलेंथ का डिफरेंस हो तो फिर हम वापस उसी फेज में आ जाते हैं, फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, 2, 2 से कट जाता है और मेरे पास अब ये इक्वेशन बन जाती है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। ये आपको याद होगा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली यही इक्वेशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए थी, मगर सिंगल स्लिट के अंदर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है, इसलिए क्योंकि सिंगल स्लिट के अंदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डार्क जो फ्रिंजेस होती हैं वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होती हैं, और ऐसा नहीं है कि ब्राइट फ्रिंजेस नहीं होती हैं, दो मिनिमास के बीच में एक मैक्सिमा होता है, मैक्सिमा होता है ब्राइट फ्रिंज और मिनिमा होता है डार्क फ्रिंज, और सेंटर में हमारे पास एक बड़ा सा मैक्सिमा होता है। तो ये वाली इक्वेशन हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इक्वेशन देगी और किसी भी दो मिनिमास के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या ब्राइट फ्रिंज होगी, पर वो बहुत डिम होती है। अब हम एक केस कंसिडर करते हैं जिसमें हम हमारी स्क्रीन के अंदर मल्टीपल स्लिट्स हैं, दो से ज़्यादा स्लिट्स हैं और ये सब स्लिट्स इक्वली स्पेस्ड हैं, इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो डी के बराबर है।
हम अज्यूम करते हैं कि पीछे एक लाइट सोर्स है जो प्लेन वेव फ्रंट्स भेज रहा है, और अगर हम इसको रेज देखें, रेज क्या होती है, वेव फ्रंट्स जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं उस डायरेक्शन में अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचे तो उसको हम रे कहते हैं। यहाँ से पैरेलल रेज आ रही है सोर्स से और इन स्लिट्स में से गुजरती हुई वो डायफ्रेक्ट हो रही है। इन स्लिट्स में हर हर पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, हाइजेंस प्रिंसिपल के मुताबिक वेव्स एमिट कर रहा है, ये वेव वेवलेट्स आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं। और अगर हम इस ग्रेटिंग इस जिस ये जो स्क्रीन है जिसके अंदर मल्टीपल स्लिट्स हैं इसको कहते हैं ग्रेटिंग। इस ग्रेटिंग के सामने हम एक स्क्रीन रखें तो उसके ऊपर हमें डायफ्रेक्शन पैटर्न नजर आएगा। अब हम देखना चाहते हैं कि इस स्क्रीन के ऊपर एक जो ब्राइट फ्रिंज होगी, लेट्स अज्यूम ये एक ब्राइट फ्रिंज है, इस ब्राइट फ्रिंज के लिए इन सब रेज का आपस में पास डिफरेंस क्या होना चाहिए, या हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं इसके लिए। तो इस ब्राइट फ्रिंज के ऊपर एक रे यहाँ से आएगी, फिर इन सब रेज का एक कोई ना कोई कंपोनेंट इस पॉइंट तक पहुँचेगा, और अगर हम चाहते हैं कि वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करे तो फिर क्या होना चाहिए। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं फर्स्ट वाली रे से जो इन सब रेज को इक्वली डिवाइड करता है। अब इस एरिया में जो रेज हैं इनका पाथ डिफरेंस सेम है तो वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं, बाकी का जो पाथ डिफरेंसेस हैं वो मल्टीपल होने चाहिए, वेवलेंथ के होल मल्टीपल होने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो हमारा सबसे छोटा ट्राइंगल है, रे नंबर वन और रे नंबर टू के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो एक पूरी वेवलेंथ होनी चाहिए, हाफ वेवलेंथ नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ये दो रेज कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं तो अगर ये एंगल थीटा है और ये स्पेसिंग डी है, ये सब स्पेसिंग्स डी हैं बाय द वे, तो फिर ये पाथ डिफरेंस कितना आता है, डी साइन थीटा। ये हम अज्यूम करते हैं ये पहली रे और ये इसके बाद इसकी इससे नेक्स्ट रे है, तो हम ये अज्यूम करते हैं ये पाथ डिफरेंस अगर लेमडा है तो फिर इससे अगली ये वाला पाथ डिफरेंस कितना होगा। ये भी हमारा ये रेज यहाँ से पैरेलल आ रही हैं, ये रेज इक्वल स्पीड से ट्रेवल कर रही हैं, तो ये फिर इधर पहुँचते तक ये 2 लैम्डा होगा, और इससे अगली रे में ये 3 लैम्डा होगा, ये 4 लैम्डा होगा और ये 5 लैम्डा होगा। तो इस तरह ये लैम्डा के होल मल्टीपल्स के अंदर ये पाथ डिफरेंसेस आएंगे हमेशा, तब जाकर हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ये हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इसलिए हम ये अज्यूम कहते हैं कि ये होल मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा हैं, तो हम एक कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब हम एक और पर्सपेक्टिव से इस डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग को देखते हैं। हम कहते हैं कि अगर हम अब हमने सारी रेज से एक पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखी, अब हम क्या करते हैं कि हम एक रे को डिवाइड करते हैं, एक रे किस तरह जाती है मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, जो रे यहाँ से स्ट्रेट आ रही होती है वो रे कैसे स्प्लिट होती है। वो रे एक तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है, उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी, क्योंकि ये एक रे नहीं होती, एक से ज्यादा कुछ रेज होंगी जो आपस में बिल्कुल इन फेज होंगी, इनका एक जितना पास डिफरेंस होगा ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। यहाँ पर हमारे पास एक ब्राइट स्पॉट आ जाएगा, फिर जैसे जैसे ये इस सोर्स से निकलने वाली रेज सोर्स से दूर जाएंगी तो क्या होगा हमारे पास, अगर हम इस एंगल को थीटा कंसिडर करते हैं तो थीटा बड़ा होता जाएगा। हमारी ये इक्वेशन इन अब इस रे के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम एक रे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि इसको कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करने के लिए लैम्डा का होल मल्टीपल तो होना चाहिए, मगर जब ये थीटा बड़ा होता है तो इसके ऊपर क्या असर होता है। हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे एन 0 है और इस पॉइंट पे हम एन की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, एन 1, एन इज इक्वल टू 2, इस अगले इससे जो नेक्स्ट ये जो पहला ब्राइट स्पॉट है इससे जो अगला ब्राइट स्पॉट होता है इसको हम कहते हैं 0 ऑर्डर मैक्सिमा, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा। फिर एन इज इक्वल टू 3 के ऊपर हमारा थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा आता है, थर्ड ब्राइट स्पॉट आता है, और थीटा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो हमारा ऑर्डर भी बढ़ता जाता है, हमारी ब्राइटनेस थोड़ी कम होती जाती है। सेंटर में जो हमारा स्पॉट होता है वो सबसे ज्यादा इंटेंस होता है, उसमें सबसे ज्यादा पावर होती है, पावर पर यूनिट एरिया। क्रिस्टल्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो नेचुरली ऑर्डर्ड होते हैं, मतलब क्रिस्टल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक खास पैटर्न के ऊपर बने होते हैं, जैसे चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं उनकी एक शेप होती है खास। तो क्रिस्टल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो कोई डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग हो,
या हम उनके ऊपर जब लाइट स्ट्राइक करते हैं तो हमें डायफ्रेक्शन पैटर्न्स नजर आते हैं, तो हम ये ज्यूम करते हैं कि उनके अंदर किसी किस्म की डायफ्रेक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो वो कैसे हो रही है? सबसे पहले ब्रैग साइंटिस्ट था, उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की। वो कहते हैं कि अगर हम क्रिस्टल्स के दो प्लेन्स देखें और हम क्रिस्टल के ऊपर एक रेडिएशन, एक वेव भेजें, जो क्रिस्टल के डायमेंशन है, फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टल के दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस डी है, इस ये डी किस ऑर्डर का होता है? इस डी का ऑर्डर होता है 10^-10। वेव्स के बारे में एक बात ये है कि वेव्स जिस ऑर्डर की वेव्स होती हैं, यानी वेवलेंथ जिस ऑर्डर की होती है, उसी ऑर्डर की चीज़ों के गिर्द वो बेंड होती हैं, यानी उनका डायफ्रेक्शन हम उसी ऑर्डर की चीज़ों के गिर्द ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव्स इतनी बड़ी होती हैं कि हमारे जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं जैसे कुर्सियाँ, टेबल, दरवाजे, इनके अराउंड वो बेंड होती हैं, उनकी वेवलेंथ इस ऑर्डर की होती है। तो क्रिस्टल्स की डायमेंशंस 10^-10 के ऑर्डर की होती हैं, तो इसके लिए हम कौन सी वेव्स सेलेक्ट करते हैं? एक्सरेज, जिनकी ऑर्डर भी 10^-10 होता है। हम एक्सरेज इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, कुछ एक्सरेज इसकी ऊपर वाली सर्फेस से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं जैसे थिन फिल्म में हो रही थी, और कुछ नीचे वाली सर्फेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं। तो इस सर्फेस के ऊपर ये सेकेंडरी वेव सोर्सेस की तरह एक्ट करेगा और यहाँ से वेवलेट्स एमिट होंगी, डायफ्रेक्शन होगी, ये वेवलेट्स आपस में इंटरफेयर करेंगी कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली। अगर हम इस क्रिस्टल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें तो हमें इसके ऊपर डायफ्रेक्शन पैटर्न नजर आएगा। अगर ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी था और ये एंगल थीटा है, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा इस रे और इस रे के दरमियान? ये डी साइन थीटा, और ये वाला डिस्टेंस भी डी साइन थीटा, तो टोटल दो दफा डी साइन थीटा, 2D sin थीटा को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वेवलेंथ का होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। इसका क्या फायदा है मुझे? अगर एक्सरेज की वेवलेंथ पहले से पता है, जो कि मुझे पता है 10^-10 के ऑर्डर में होती है, तो फिर मैं क्रिस्टल्स के बीच में स्पेसिंग फाइंड कर सकती हूँ, मैं ये डी पता कर सकती हूँ, मैं मुख्तलिफ क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर स्टडी कर सकती हूँ। तो ये एक और एप्लीकेशन है डायफ्रेक्शन के फिनोमेना की। फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट टू टेक प्लेस द रिक्वायर्ड कंडीशन इज, रिक्वायर्ड कंडीशन है, इंटरफेरेंस तब होती है जब दो सोर्सेस से लाइट आ रही होती है, दोनों सोर्सेस से एक ही डायरेक्शन में आ रही होती है, और फ्रीक्वेंसीज दोनों सोर्सेस की सेम होती हैं। फ्रीक्वेंसी सेम हो और दोनों एक ही डायरेक्शन से आ रहे हो तो इंटरफेरेंस होती है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पाथ डिफरेंस ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेज मस्ट बी लार्ज, इंटरफेरिंग वेव मस्ट बी नॉन कोहेरेंट। नॉन कोहेरेंट का मतलब है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं या उनके बीच में पाथ डिफरेंस है जो फिक्स नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है, कोहेरेंट होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। लाइट वेव्स मे कम फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस, दो सोर्सेस से आनी चाहिए तभी इंटरफेरेंस होती है, मगर सोर्सेस, ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं बता रहे। लाइट वेव्स मे कम फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस, अब इसमें कंप्लीट हमारी कंडीशंस मीट हो रही हैं, एक से ज्यादा सोर्सेस होते हैं, टू सोर्सेस और दोनों कोहेरेंट, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तो ये उसकी रिक्वायर्ड कंडीशन है। एक और इसमें कंडीशन मिसिंग है कि वो एक ही डायरेक्शन से आ रही हो दोनों लाइट सोर्सेस, तब इंटरफेरेंस होती है, मगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जो दिया हुआ है उसमें क्लोजेस्ट ऑप्शन डी है। ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट डज नॉट चेंज विद द नेचर ऑफ द मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है उस, और कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है, तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होती? वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी ऑफ लाइट हवा में 3×10^8 होती है मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में जाके वो चेंज हो जाती है, 2×10^8 हो जाती है, तो वेलोसिटी तो चेंज होती है। एम्पलीट्यूड भी चेंज हो सकता है, किसी मीडियम में जाके वो लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है। वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो होती है लाइट की वो चेंज नहीं होती, लाइट की फ्रीक्वेंसी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो सब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी वही रहती है, मगर उसकी वेवलेंथ के बारे में हम क्या कह सकते हैं? उसकी वेवलेंथ में फेज शिफ्ट आ सकता है, तो लाइट में जब फेज शिफ्ट आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से वेवलेंथ चेंज हुई, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है फ्रीक्वेंसी।